Dear friend, welcome to our channel. In UP Revenue Code 2006 series, our topic is succession to male tenure holder as per section 108. तो ये एक बहुत ही important topic है जिसपे अक्सर exam में question आता है और students की demand पे हम devolution पे series में video बना रहे हैं. तो ये पहला video है section 108 में. चलिए शुरू करते हैं. तो ये कंप्लीट उत्तराधिकारी हैं, हियर हैं मेल भूमिधर के, जिनको सेक्शन 108 में कवर किया गया है. अब स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से लॉजिकली ये फ्लो करता है. हालांकि ये बहुत लॉजिकली है और आप इसको समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता था हियर्स को लॉजिक सिस्टमेटिकली बनाने का. तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को लर्न करने के दो तरीके हैं. एक तो सिंपली इनको 1 से 15 तक रट लिया जाए और एग्जाम में जाके लिख दिया जाए. अगर आप रटने की स्ट्रेंथ रखते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है. दूसरा एक तरीका होता है लॉजिकली समझ के याद करने का, और वो हमेशा याद रहता है और कभी भी थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए आपको मिलेगा तो आप इमिडिएटली उसको रिमेंबर कर लेंगे. आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सूट करता है. अगर रटने वाला तरीका सूट करता है तो बेस्ट तरीका है कि 5-5-5 करके 3 बार में रट लो और 3-4 बार लिख के देख लो, तो आपका एग्ज़ाम के लिए काम चल जाता है. लेकिन अगर आपको ये समझना है तो समझना इसको बहुत आसान है, लॉजिकली समझना बहुत आसान है. और इसके लिए आप आगे बने रहिए हमारे साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सिंपल है. 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं इसमें, जो सेक्शन 108 के सब क्लोज 1 में दी गई हैं, कि अगर मान लिया सीरियल नंबर 1 का कोई हियर उत्तराधिकारी अवेलेबल है तो बाकी सारे के सारे बाईपास हो जाएंगे, किसी नीचे वाले को मिलेगा ही. और मान लिया ऊपर वाला कोई नहीं है तभी नीचे वाले को मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर सीरियल 1 में कोई भी नहीं है, जब मेल भूमिधर एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो पहले देखा जाएगा कि 1 में कौन कौन है. 1 में जो भी होंगे उनको इक्वली मिल जाएगा. लेकिन 1 में कोई नहीं है तो ही हम 2 पे जाएंगे, अदरवाइज सीरियल नंबर 2 या नेक्स्ट नंबर पे नहीं जाएंगे. और यही क्रम हमारा आखिरी तक चलता रहता है. तो आइए अब इसको एक ट्री के जरिए सिंपली समझते हैं. अभी ऊपर नंबर 1 में जब भी कोई मेल भूमिधर, टेन्योर होल्डर, असामी या गवर्नमेंट लेजी कोई भी हो, यहाँ पे हम जनरली इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए टेन्योर होल्डर वर्ड यूज़ करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. तो एक्सपायर होने के बाद में टेन्योर होल्डर के मेल की कंडीशन में ये देखा जाता है कि उसकी विडो, अनमैरिड डॉटर और मेल लीनियल डिसेंडेंट में कोई है या नहीं है. अभी इसके जनरल रूल क्या है? देखो, जब भी कोई आदमी प्रॉपर्टी जिसकी होती है और वो मरता है, तो सिंपल रूल ये है कि उसके सबसे करीबी आदमियों को प्रॉपर्टी जाती है. अब करीबी कौन कौन होते हैं? तो किसी भी आदमी के केस में जब वो मरता है तो करीबी उसके बीवी और बच्चे होते हैं. तो यहाँ ये लॉजिक बहुत फिट बैठता है. नंबर 1 में उसका, उसकी प्रॉपर्टी का हक उसके विडो पे है और उसकी अनमैरिड डॉटर पे. मैरिड डॉटर पे यहाँ नंबर 1 में इसलिए नहीं है क्योंकि मैरी होने के बाद में डॉटर दूसरे घर चली जाती है और उसका हक वहाँ बन जाता है, तो यहाँ पे उसको कवर करना जायज़ नहीं है. दूसरा है मेल लीनियल डिसेंडेंट. अब इसका क्या मतलब है? मेल लीनियल डिसेंडेंट का मतलब होता है कि उस आदमी के नीचे की सीरीज में जितने भी मेल होंगे उसमें कोई भी फीमेल नहीं आनी चाहिए, उनके जो भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मेल लीनियल डिसेंडेंट होंगे. मतलब उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता एंड सोन, उनके जो भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मेल लीनियल डिसेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे. अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्ट्रिप बढ़ती कैसे है, हिस्सा बढ़ता कैसे है. तो आप इस ट्री में देख रहे हैं, ये मेल टेन्योर होल्डर अगर एक्सपायर होता है तो आप देखिए इसके बेटे कितने कितने हैं टोटल. एक सन अभी जिंदा है, लास्ट वाला मर गया है. एक इसकी विडो है और एक इसकी अनमैरिड डॉटर है. अब लेवल 1 में 4 इसके पास में स्ट्रिप बनेगी, चाहे उसका बेटा जिंदा है या मर गया तो भी उसकी स्ट्रिप बन जाएंगी 4. तो उसकी प्रॉपर्टी अभी यहाँ 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी.
जो उसका जिंदा बेटा है उसको 1/4 मिल जाएगी, जो अनमेरिड डॉटर है उसको 1/4 मिल जाएगी, उसकी जो विडो है उसको भी 1/4 मिल जाएगी। अब केस होता है कि जो उसका सन प्री डिजीज हो गया है, मर गया है, उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? अब इस केस में हमने लिया है, एक तो उसके मृत बेटे की विधवा है और दूसरे उसके मृत बेटे का एक बेटा है। तो चूंकि अगर वो जिंदा होता तो उसके हिस्से में 1/4 आती, तो ये 1/4 अब नीचे चली जाएगी और नीचे जितने भी उसके हियर होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, उनको उसमें वो बट जाएगी। तो अब देखिए, उसको 1/4 मिल रही थी तो उसकी विधवा को, विडो को कितनी मिलेगी? करेक्ट, 1/8। और उसके सन को कितनी मिलेगी? 1/8। अब ये ट्री किस तरह का भी आगे हो सकता है, बट ऊपर से उसका हिस्सा 1/4 ही चलेगा और नीचे वो उसी में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल रूल है डिवोल्यूशन का और सक्सेशन में पर स्ट्रिप प्रॉपर्टी के बटने का। तो मुझे उम्मीद है इस ट्री से आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। आगे का बहुत ईजी है समझने के लिए, अगर आपको इतना समझ में आया है तो। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप देखो, नंबर वन पे जो पहले नज़दीकी थे उनमें प्रॉपर्टी पट गई। अब ये रूल हमेशा आगे तक जाता जाएगा। पहले हम उसके नज़दीक वाला नीचे देखेंगे, नीचे मीन्स उसके बेटे बेटियों की तरफ देखेंगे, अगली बार में उसके ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब उसके फादर और मदर की तरफ जाएंगे, और जब ये दोनों साइड कवर हो जाएंगी फिर हम साइड में जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर की साइड में जाएंगे, और इस तरह से ये सीरीज 1 से लेकर 15 तक जाएगी, जो बहुत बहुत ही एक्यूरेसी और लॉजिक के साथ में बनाई हुई है। तो अब हमने विधवा कवर कर ली और उसके बेटे कवर कर लिए और उसकी अनमेरिड डॉटर कवर कर ली। अब बताइए कौन आएगा? तो मैंने बताया था आपको कि पहले नीचे वाले कवर करेंगे उसके, और उसके बाद ऊपर वाले कवर करेंगे। तो ऊपर वाला कौन होता है? यस राइट, मदर एंड फादर। अब मान लिया नंबर वन में कोई भी नहीं है, ना उसकी विडो है, ना उसकी कोई अनमेरिड डॉटर है, ना उसका कोई नीचे बच्चा पोता पड़पोता कोई बचा है। तो अब उसके फादर अगर मदर हैं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनको चली जाएगी एक साथ। क्लियर? चलो, अभी हमने ये कवर कर लिया। अब बताइए, उसके मदर फादर भी नहीं है, विडो भी नहीं है, पहले वाली लाइन में भी कुछ नहीं है और दूसरी वाली लाइन में भी कुछ नहीं है, बताइए। यस, तो अभी देखो, उसके बच्चों में हमने एक कवर नहीं किया था नंबर वन में, वो कौन थी? मैरिड डॉटर। वेरी राइट। तो तीसरा हिस्सा, तीसरे केस में जब 1 और 2 में कोई भी नहीं होगा तो जाएगी मैरिड डॉटर को। अब आप देखिए, यहां तक हमने नीचे वाले सब कवर कर लिए, उसके बेटो उसके सारे बेटे कवर कर लिए, उसकी डॉटर कवर कर ली, उसकी मैरिड डॉटर अनमैरिड दोनों कवर कर ली, और उसके मदर एंड फादर भी कवर कर लिए, बहुत ही सिक्वेंसली। अब कहाँ जाएंगे? यस, अब जाएंगे हॉरिजेंटल लेवल पे। हॉरिजेंटल लेवल का मतलब है उसके भाई और बहन पे। बहन पे, बहन में ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है डॉटर या सिस्टर के केस में अनमैरिड को। अब आप गैस करिए यहाँ पे क्या आएगा? यस, ब्रदर एंड अनमैरिड सिस्टर। वेरी राइट। तो अब हम बराबर में कवर कर रहे हैं, ऊपर नीचे हमने कवर कर लिया था। फोर्थ नंबर पे ब्रदर को जाएगी और अनमैरिड सिस्टर को जाएगी। अच्छा, कंडीशन ये है कि ये ब्रदर और सिस्टर उसके फादर से होने चाहिए, सेम फादर इनका एक होना चाहिए, जो मेल भूमिधर मरा है वो, और ये भाई और ये सिस्टर एक बाप की संतान होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और कवर करी गई है, मान लिया उसका कोई ब्रदर एक्सपायर हो गया है तो उसको इंश्योर किया गया है कि उसके ब्रदर के बेटे के पास भी हिस्सा जाए, तो सन ऑफ प्री डिजीज ब्रदर को भी यही कवर किया गया है, जो जायज भी है। मान लिया भाई मर गया है तो भाई के बेटे का हक वंचित नहीं हो जाए, तो यहाँ पे इसलिए सन ऑफ प्री डिजीज ब्रदर को भी कवर किया गया है जो सेम फादर से हुआ है। तो अब देखिए हम कितने लॉजिकली जा रहे हैं, हमने नीचे कवर कर दिया, ऊपर मदर फादर कवर कर दिए, साइड में ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर कवर कर दी। अब बताइए कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे, यस, अब एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, सन की डॉटर, सन की डॉटर को कवर करेंगे। सन की डॉटर कवर कर ली, अब हम एक लेवल नीचे चले गए। तो हम कैसे जा रहे हैं? एक लेवल नीचे जाते हैं, एक लेवल ऊपर जाते हैं,
और उसके बाद में हम साइड बाय साइड जाते हैं। तो अब बताइए कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना, ऊपर अपने मदर फादर तो कवर कर लिए थे, तो अब मदर फादर के भी एक लेवल ऊपर जाएंगे, राइट। तो फादर्स मदर और फादर्स फादर, क्लियर? बहुत लॉजिकली जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ऊपर कवर कर लिया, अब आपने सन की डॉटर तो कवर कर ली, पर नीचे कुछ बच गया था, क्या बचा? अभी सन की डॉटर कवर कर ली, क्या आपने डॉटर का सन कवर किया? नहीं किया, तो वो नेक्स्ट प्रेफरेंस में आएगा, तो वो है डॉटर सन। अब देखिए सात तक हम कितने लॉजिक हैं, कितने लॉजिकल हैं, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया जो लॉजिकली नहीं जा रहा हो। अब बताइए आगे क्या बचा, आगे बचा है, आपने देखा फोर्थ में हमने अनमैरिड सिस्टर तो कवर कर ली थी, लेकिन मैरिड सिस्टर नहीं कवर की थी, तो हॉरिजेंटली अभी एक बाकी है, वो है मैरिड सिस्टर। तो अब आएगी मैरिड सिस्टर, तो आपने मैरिड सिस्टर तक आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, नीचे ऊपर साइड में, और अनमैरिड को पहले, सिस्टर या डॉटर को, और मैरिड को बाद में, यस। तो अभी हमने साइड बाय साइड क्या सब कवर कर लिया? नहीं, आपने अनमैरिड सिस्टर कवर कर ली, मैरिड सिस्टर कवर कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है, एक बाप की दो वाइफ होती हैं और उससे भी बच्चे होते हैं, तो यहां पे हाफ सिस्टर, ब्रदर तो सारे कवर हो गए हैं, लेकिन यहां पे हाफ सिस्टर को कवर किया गया है, जो कि सेम फादर से होनी चाहिए। तो यहां तक हमने हॉरिजेंटली कवर कर दिया, हॉरिजेंटली कवर करने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने सन के डॉटर को, डॉटर के सन को कवर कर लिया था, राइट। अभी नंबर आता है हॉरिजेंटली जो साइड वाले थे उनके नेक्स्ट लेवल पे कवर करने का, तो सिस्टर सन, सिस्टर सन, अभी सिस्टर सन आपने कवर कर लिया, अब क्या आएगा आगे? अब दूसरी भी एक सिस्टर ऊपर आ रही है ना, हाफ सिस्टर, तो अब उसका सन, उसका सन कवर कर लो। अब आपने देखा, आपने हॉरिजेंटली भी वन लेवल डाउन कवर कर लिया, अब क्या बचा? अभी आपने ब्रदर का सन ऊपर प्रीडिजीज कवर कर लिया था, और चूंकि चार नंबर में ब्रदर को प्रॉपर्टी चली गई, तो उसके तो सब बच्चों आगे जाएगी, तो नेक्स्ट में अभी हम जो ब्रदर था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, मतलब ब्रदर सन सन्स। तो आप देखिए किस तरह से हमने पहले नीचे, फिर ऊपर, और फिर साइड में, और फिर साइड से भी डाउन कवर किया है। अभी 12 तक कुछ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आप इसको लॉजिकली देखेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, हमने बाइट कवरेज दे दिया, बाइट कवरेज दे दिया, यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, ब्रदर्स को भी हमने साइड करके नीचे कर दिया, उसके उसके सन्स के सन्स को भी कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फादर के जिस लेवल पे अब गए थे उसके साइड में जाएंगे, मतलब फादर फादर सन्स, फादर फादर सन्स, मतलब फादर का भाई, ओके, फादर फादर सन्स हो गया। अब यहाँ पे फिर एक लेवल इसमें भी आप साइड करके फिर डाउन जाएंगे, फादर फादर सन्स सन्स, फादर फादर सन्स सन्स। देखिए यहाँ पे आपने मेल साइड के सारे लोग कवर कर लिए, कोई भी नहीं बचा जो उसके आजू बाजू ऊपर नीचे, रूल ये है नीचे ऊपर और आजू, और फिर जितना भी फैलना है इन्हीं चारों डायरेक्शन में, एक लॉजिकली वन बाय वन नीचे जाना है, पहले नीचे वाले को वाइड कवरेज देना, फिर ऊपर वाले को वाइड कवरेज देना, फिर साइड वाले को वाइड कवरेज देना। यहाँ पे सारे कवर होते हैं, लास्ट एक कैटेगरी दी है जिसमें आप जब कोई भी फादर साइड, जब मेल साइड में कोई भी नहीं रहता, तो लास्ट में आप मदर साइड को देखते हैं, 15वें नंबर पे, वो है मदर्स मदर सन, मदर्स मदर सन्स का मतलब मामा। तो आपने देखा ये इतना लॉजिकली और इतना सिस्टमेटिक है, इसको अगर आप एक दो बार देखेंगे और अपने आप से ट्राई करके लिखेंगे तो ये आपको पक्का हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और फिर इसको आप लॉजिकली सोच समझ के एग्जाम में भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर हुई होगी, आप थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड एनकरेजिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर टू अदर्स. थैंक यू वेरी मच.